शनिवार को दिल्ली रोड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बड़े ही उत्साह के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट के साथ साथ नन्हे मुन्ने बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन, रिजल्ट के साथ साथ नन्हे मुन्ने बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी आयोजित हुआ, जिसमें नर्सरी क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे पर विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनकर सभी आए हुए अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता रही, जिन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व और उनके आने वाले जीवन के बारे में जानकारी दी। जो कि हमारा पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, जिस तरह से मैंने आज देखा कि कितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने, नन्हे नन्हे बच्चों ने यहाँ पर ड्रेस कॉम्पिटिशन किया, डांस किया, तो ये उनकी सेकेंड मदर यानी उनकी टीचर ने उनको सिखाया और उन्हें किया, तो ये भी बहुत ही प्रशंसनीय है। और आप लोगों को भी अपने बच्चों को स्टेज पर देखकर सारे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मंच पर खड़े होकर, मंच पर आकर कोई भी एक्टिविटी करना या कुछ भी करना इतना आसान नहीं होता। अच्छे अच्छों के हाथ में जब माइक आता है तो उनकी जबान बंद हो जाती है। और आज मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बच्चों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मुझे टीचर्स ने और यहाँ के स्टाफ ने और जो यहाँ पर जो पूरी टीम है, सभी ने, प्रिंसिपल ने, सभी ने मुझे यहाँ पर बहुत सम्मानित किया और मुझे बुलाया। मैं आगे भी अपेक्षा रखती हूँ कि मुझे इसी तरह से इस स्कूल में बुलाया जाए। पहले विनायक जी के चुनाव में आई थी, तभी मेरे लिए इस स्कूल ने बहुत अच्छा यहाँ पर मेरे लिए कार्यक्रम रखा था और मेरे लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा था। हालांकि मैं लेट हो गई थी, तभी टीचर्स ने यहाँ मेरा वेट किया, तो मैं उन सभी का थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों की वजह से विनायक जी को इतने अच्छे चुनाव में इतने अच्छे वोट मिले और वोट दे हुए। आगे भी मैं यही चाहूंगी कि इस स्कूल में मुझे इसी तरह सम्मान मिले और मैं यहाँ पर आऊँ। थैंक यू। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि समाज सेवी सरदार गुरविंदर सिंह रहे। थीम पर आज का इन्होंने यहाँ कार्यक्रम रखा। मैंने एक शेर लिखा था जो यहाँ की बेटियों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। अपना जी होती तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए है, तो मैंने बेटियों के लिए एक शेर अपनी बेटी के लिए लिखा था डॉक्टर्स डे पे, और वो ये था, रोशन करे है बेटा तो बस एक ही घर को, रोशन करे है बेटा तो बस एक ही घर को, दो दो कुलों की लाज निभाती हैं बेटियां, निभाती हैं बेटियां। आज बेटियों का परफॉर्मेंस याद देख रहा हूँ, कितनी अच्छी एंकरिंग ये हमारी तो बेटियां यहाँ कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, तमाम बच्चों ने अच्छी तरह से उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। देखिए,
शेर है, वो कहते हैं तंग दस्ती अगरचे है गालिब, तंग दस्ती अगरचे है गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस भी है किसी के पास तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सेहत अच्छी होनी चाहिए। अगर सेहत अच्छी होगी, बहुत सा खर्चा तो हमारा बीमारियों पर ही होता है, तो इसलिए हाइजीन की जो आज थीम रखी इन्होंने, कोरोना की ड्रेस में थे लोग, कोई डॉक्टर बन के आया था, कोई डॉक्टर बन के आया था, कोई नर्स बन के आया था, बहुत अच्छा मतलब ये सारा परफॉर्मेंस रहा। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अब इस समय सारे लोग दिल्ली में है, आज के दिन बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही है, बस मैं सारे मैनेजमेंट को, स्टाफ को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ। और इन बच्चों की दुआ करूँ जो बच्चे यहाँ से आए हैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसका दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तालीम का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी लोग हैं, कुरान शरीफ की तो शुरुआत ही है, पहली आयत क्या है, इतना बिस्मी रुपल यानी पढ़े उस खुदा के नाम से, अल्लाह के नाम से। तो पढ़िए यहाँ पर अच्छी एजुकेशन, इतना बढ़िया मैनेजमेंट आपके पास है जो आपकी बेहतरी के लिए सोच रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ें है, आप जिंदगी में कामयाबी की नित नई सीढ़ियाँ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को सुना। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूली छात्र छात्राओं ने नृत्य करके किया और इसके बाद बच्चों ने बेबी शार्क और अन्य गाने पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इसके बाद कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के परिणाम घोषित हुए, जिसमें सभी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कक्षा 1 की छात्रा मारिया खान, द्वितीय स्थान इंजिला ने प्राप्त किया। प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों एवं अभिभावकों का आभार प्रकट किया। I'm thankful to Sumayata and Sumayata Ma'am, Principal, Kids Saving Play School, and Kartika Chidda, Principal, Advanced Public School, for coming over, sparing the time, and coming over to this school. I'm also thankful to our director, Saurabh, who has been continuously coming to school and motivating the staff and the students of the release out of this busy schedule. I am thankful to Mr. Zubair Alam from the management for coming up and taking their show. कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर, प्रबंध समिति के सदस्य, प्रधानाचार्य, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
Hello everyone, I am Sushil Kumar Singh, Academy Coordinator of Modern Public School. Today we organized our annual graduation day for our especially junior wing kids, that is from nursery to 5th class. Along with annual graduation day, we had a fancy dress competition so that little kids can show their talent, showcase their talents, their abilities, which will help them to become something in future. And in future, we will also be organizing such programs, and moreover, in future, we are going to organize inter-school competitions, inter-house competitions, so that the kids' talent should come up. It's not only academic part, it's sports parts also we have to look after. If a student is good in sports, we have to motivate and encourage also that student also, not only academically. We are looking for every field, every aspect of our school, academic coach, sports. So we are going to make this student superb. So I'll invite all the parents to visit Modern Public School once. Thank you very much.